ये आप देख सकते हैं, ये है TVS की एंटॉर्क। आज फुल सर्विस वाली वीडियो रहने वाली। सबसे पहले अगर आपकी एंटॉर्क मिसिंग कर रही है, स्टार्ट नहीं हो रही, आपने काफ़ी ज़्यादा किक्स मारी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, सेल्फ मार मार के बैटरी भी लो हो गई है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो इस वीडियो में सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ये BS4 है, BS6 में भी ये इशू रहता है। तो ये नट देख सकते हैं आपने, ये वाले दो नट और अपोजिट में दो नट्स हैं, उनको ओपन करना है, स्क्रू को ओपन करना है। सबसे पहले तो इसके अंदर स्पार्क प्लग होता है, आपको स्पार्क प्लग को चेंज करना है। उसके बाद जितने भी आपके मिसिंग की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल ठीक जाएगी। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको ओपन कर लीजिए। ये देख सकते हैं हमने इसको बाहर वाले को ओपन कर दिया। इसके अंदर एक केबल टाइप की होगी, आपने उसको पुश करना है बाहर के लिए, खींचना है। ये देख सकते हैं, तो जितने भी भाई होंगे एंटॉर्क मिस कर रही, स्टार्ट ही नहीं हो रही ना, काफ़ी टाइम से आपने खड़ी रखी थी उसके, आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं हो रही एंटॉर्क, तो आपने करना है कि आपको ये चाहिए 16 नंबर वाली गोटी और ये पाना, तो उसके मदद से आप घुमा सकते हैं ऐसे, और घुमाने के बाद स्पार्क प्लग को आप बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद आपको करना है कि आप बॉश का सेम स्पार्क प्लग लेना है जो कि 100 से 150 के बीच में आता है, बाकी कंपनी का भी चलेगा बेटा। अगर बॉश का ही मिल जाता है, क्योंकि एंटॉर्क में वही पहले से आता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी कंपनी के भी चलेंगे अगर सेम साइज़ के मिल जाते हैं। ये बॉश का R6 वाला स्पार्क प्लग आ जाता है, तो हम न्यू वाला स्पार्क प्लग लगाएंगे। तो मेरी बात अगर आपने बिल्कुल ट्राई कर दी ना सर, इतनी किक्स मार मार के आपका पाँव भी थक गया फिर भी आपकी एंटॉर्क स्टार्ट नहीं हो रही ना, तो एक बार ये वाली चीज़ ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको मैकेनिक के पास लेते हैं उसको भी समझ नहीं आ रही, तो मैकेनिक को ये कह दीजिए कि एक बार स्पार्क प्लग चेंज करके देख लीजिए। तो ये देख सकते हैं ये स्पार्क प्लग गिर गया, तो अभी हम स्पार्क प्लग को चेंज करेंगे सेम रॉड की मदद से, गोटी पाने की मदद से हम उसको वापस अच्छे से टाइट करेंगे और बाहर वाली केबल को फिर से हम अंदर के लिए लगा लेंगे। ये देख सकते हैं, तो इसके बाद एंटॉर्क आपकी बिल्कुल आराम से स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी कभी जब माइलेज कम देती है स्पार्क प्लग का इशू आता है, क्योंकि स्पार्क प्लग में काफ़ी ज़्यादा वो कार्बन टाइप का जम जाता है जिसकी वजह से मिसिंग करती है और स्पार्क उसमें नहीं पैदा हो पाता, उस वजह से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती। तो ये देख सकते हैं अभी हम किक मार के स्टार्ट कर रहे हैं और एंटॉर्क स्टार्ट हो चुकी है। तो ये था स्पार्क प्लग। अभी हम इसी वीडियो में आपको और भी काफ़ी चीज़ें बताने वाले हैं, आपको इंजन ऑयल कैसे चेंज करना है, इसका गियर ऑयल कैसे चेंज करना है, एयर फिल्टर को कैसे निकालना है और साफ कर सकते हैं आप, और साथ ही में अगर आपकी बैटरी को चेंज करना है और उसके अंदर कौन सी बैटरी लगी होती है, बैटरी का चेंज करने का टाइम आ गया, तो वो सब भी एक ही वीडियो में। मैं पहले सोच रहा था अलग अलग वीडियोज़ डालूँ, बट एक ही वीडियो में डालते हैं। तो अब प्लग लगा दिया, उसके बाद हम इसको आराम से लगा लेंगे। इसमें यहाँ लॉक होता है तो अच्छे से उसका ध्यान रखें, क्योंकि लॉक टूट भी जाते हैं, क्योंकि मेरे वाले ऊपर वाले लॉक टूट चुके हैं। तो हमने इस लगा दिए, अब हम इसका इंजन ऑयल कैसे चेक कर सकते हैं, आपको ये वाला ऑयल लीवर को ओपन करना है। ये देख सकते हैं ऑयल लीवर ओपन कर रहा हूँ। तो अगर आप इंजन ऑयल आपका काफ़ी ब्लैक हो गया होगा ना, तो इंजन ऑयल चेंज करने का टाइम आ गया। वैसे ही जो लीवर के ऊपर ना मिनिमम मैक्सिमम का साइन भी दिया गया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर मिनिमम से कम हुआ इंजन ऑयल तो आपको चेंज करना ही करना पड़ेगा। तो एक बार आप पहले कपड़े से इस लीवर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, देख सकते हैं ये बिल्कुल सूख गया ना। तो इसके बाद फिर से हम इसके अंदर डालेंगे इंजन ऑयल लीवर को, इसको ऑयल को चेक करेंगे। तो अगर आप और भी चाहते हैं कि एंटॉर्क से रिलेटेड वीडियोज़ आएँ तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे को पता है इस वीडियो में व्यूज़ नहीं आएंगे, बट ये होता है काफ़ी लोगों के काम आने वाली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो एंटॉर्क ऑनर हैं वो बाद में इस वीडियोज़ को देखने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल की लेवल तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो चुका है, बट उतना ज़्यादा ब्लैक भी नहीं है। तो ये अब मेरे को वीडियो बनाने के लिए चेंज अब मेरे को दिखाना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे भी नया वाला इंजन ऑयल मंगा दिया। कौन सा है वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। तो बाकी में हम इसको चेंज करने वाले हैं, तो आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं अंदर ढाल के, और ये यहाँ पर इसके कलर देख के देख सकते हैं, तो अभी उतना ज़्यादा ब्लैक नहीं हुआ है। तो अभी ज़रूरी नहीं था चेंज करना, बट मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आपको भी जब 2-3 हज़ार किलोमीटर चल जाते हैं उसके बाद आप इंजन ऑयल ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि इंजन ऑयल चेंज करने वाला हो जाता है और इंजन ऑयल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ऑयल चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे जो नट लगा है उसको ओपन करना पड़ेगा, और वो किस नंबर से होगा, वो इसी 16 नंबर वाली आपको एक गोटी लगेगी। तो अब मैं आपको एक बार गोटी फंसा के दिखाता हूँ। 16 नंबर वाली आपको चाहिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे अंदर फंस चुकी है। तो आप इसको रॉड की मदद से ना इसको फिर लगा के घुमा सकते हैं, या फिर आपके पास और कोई पाना टाइप का है तो उसकी मदद से भी घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जब घुमा रहा था ना, तो बार बार स्लिप हो रहा था, जिसकी वजह से नट भी घिस गया। फिर जो साथ वाले ट्रक वाले मिस्त्री थे, साथ में ट्रक वाली शॉप रिपेयरिंग वाली थी, तो मैंने वहाँ से मिस्त्री को बुलाया, तो उसने इसी सेम पाने से खोल के दे दिया। तो मतलब जो एक लोहार क्या कहते हैं, 100 सुनार की एक लोहार की, तो वही वाला काम हो गया। तो भाई ने यहाँ पे देख सकते हैं इसी पाने गोटी से ओपन करके दिखाया, और ये देख सकते हैं इंजन ऑयल
तो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करना है, स्पार्क प्लग चेंज करना है, तो आप कहीं से स्कूटी को ना गर्म, मतलब अगर आप कहीं से चल के आए और आप इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो इंजन ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, स्पार्क प्लग भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, तो स्कूटी को पहले थोड़ी देर रेस्ट दे लीजिए, उसके बाद ओपन करके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इंजन ऑयल ड्रेन होने दीजिए, यहाँ पे ऑयल फिल्टर भी लगा है, इसको भी हम बाद में खोल के हवा मार के साफ़ करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर नट जिसकी मैं बात कर रहा था, घिस के ऊपर से नट की जो चूड़ी होती है ये, और यहाँ पे पड़ता है गियर ऑयल, जो कि जब से मैंने एंटोर्क लिए तब से गियर ऑयल इसमें चेंज नहीं किया, तो मैंने भी वीडियोस यूट्यूब पे देख के ही देखा था, और मैंने ये देख सकते हैं यहाँ से नीचे वाला प्लग आ जाता है, ड्रेन प्लग, तो यहाँ से हम पहले पुराना वाला गियर ऑयल निकाल देते हैं। ये देख सकते हैं ये भी काफ़ी काला हो गया था, और तो ये है कैस्ट्रॉल का, इसमें मैंने डाला है आपको गियर ऑयल और साथ में कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल ही डालने वाला हूँ। जब ड्रेन ऑयल से आप ड्रेन कर देना सारा ऑयल, तो ड्रेन प्लग लगा दीजिए, उसके बाद ऊपर वाले नट के आप उसमें गियर ऑयल डाल सकते हैं। सेम कैस्ट्रॉल का ये आ जाता है इंजन ऑयल भी, जैसे ये 800 ml है, जब मैंने एंटो की सर्च करी तो उसमें 880 ml आता था, तो पहले मैंने 800 ml डाल के ही चलाई, बाद में थोड़ा सा दूसरी कंपनी का इंजन ऑयल था, थोड़ा सा मैंने 50-60 ml वो भी डाल दिया। तो ये इंजन ऑयल डाल दिया अच्छे से, और यहाँ से खुद सर्विस कर सकते हैं। बाकी इस जगह पे आता है एंटोर का एयर फिल्टर, तो आप इसको अगर एयर फिल्टर चेंज नहीं करना चाहते ना, तो आप इसको एक साफ़ ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे माइलेज पे काफ़ी ज़्यादा और स्कूटी की परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैंने यहाँ से निकाल के ना एयर प्रेशर मारा है इसको पूरे फिल्टर को, और अंदर भी कपड़े से जितनी डस्ट वगैरह थी उसको साफ़ कर दिया है, तो अब वापस से हम एयर फिल्टर को यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जब भी आप एंटाओ की सर्विस करते हैं। उसके अलावा एक ही वीडियो में मैं एक और चीज़ कवर करने वाला हूँ, आप बैटरी कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बैटरी डेड हो चुकी थी स्कूटी खड़े खड़े। तो आपको साइड वाले नट्स खोलने हैं, ये देख सकते हैं ये खोल के ये वाला पोर्शन बाहर आ जाएगा, फिर आपको 10 नंबर की ये टी वाला पाना चाहिए, टी शेप वाला पाना 10 नंबर, तो इसकी मदद से आप यहाँ से खोल सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा इसके अंदर पहले कौन सी वाली बैटरी रहती है TVS एंटोर के अंदर, जो आप बैटरी देख सकते हैं सामने आपको बैटरी देखने को मिलेगी, और नई वाली में कौन सी बैटरी डालने वाला हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है न्यू वाली बैटरी एमारोन की, ये देख सकते हैं, तो इसमें जो है 5Ah वाली बैटरी पड़ती है एंटोर्क में। मैं फिर से बता दूँ, इस पर लिखा भी होगा कहीं पे 5, ये देख सकते हैं TVS एंटोर की बैटरी, तो मॉडल नंबर आप पॉज करके देख सकते हो। और इस TVS एंटोर BS4 में ना यही वाली बैटरी पड़ती है, BS4 में यही वाली बैटरी पड़ती है। तो उसके प्राइस की बात करूँ, मेरे को शायद से ये 1450 की पड़ी थी, 1450 की पड़ी थी, और अगर आप मेरी जो पुरानी वाली बैटरी, अगर मैं उनको वापस देता ना, तो मेरे को 150 उस बैटरी के मिलने वाले थे, बट जहाँ से मैंने बैटरी लाई तो मैं तब कार में गया था और वापस नहीं दे सकता, तो मेरे को 1450 की पड़ी। तो अगर मैं पुरानी वाली बैटरी भी उनको दे लेता तो लगभग मेरे को 1300 की पड़ी थी एमारोन की। और इस बैटरी की हम बात कर लें, इसकी 2 साल की वारंटी रहती है, अगर 2 साल में ख़राब होती है तो कंपनी आपको न्यू बैटरी दे देगी, अगर ऐसे तो 4 साल की रहती है, बट 2 साल तक वारंटी रहती है, जिसमें आपको कंट्री नई बैटरी देती है, और उसके बाद जो कुछ उसका कुछ परसेंट मार्जिन दे लेगी जितनी ख़राब होगी। तो इसमें जो पहले बैटरी थी वो थी टाटा वाली, तो 2 साल तक अगर बैटरी ख़राब होती तो नई बैटरी, अगर उसके बाद कुछ बैटरी में प्रॉब्लम आती तो उस हिसाब से वो कंपनी वाले बैटरी को वापस ख़रीद लेंगे और कुछ परसेंट दे देंगे। तो पहले जो इसमें बैटरी थी वो टाटा की बैटरी थी, जैसे मैंने दिखाया आपको, तो एंटोर की फुल सर्विस हो चुकी है एकदम से, इंजन ऑयल भी चेंज हो गया, स्पार्क प्लग भी चेंज हो गया, गियर ऑयल भी चेंज हो गया, एयर फिल्टर भी चेंज हो गया, और इवन कि मैंने बैटरी भी नई डाल दिया। तो ये पूरा व्लॉग था एंटोर की सर्विस पे, उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो भी कर दीजिए।